अस्पताल के बाहर रोते बिलख थे और न्याय की गुहार लगाते इन लोगों ने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया, जिसकी कमी ताउम्र पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मौत की वजह संदिग्ध है और आरोप है कि जमीन के लिए उसका कत्ल कर दिया गया है। मामला भारी दिल्ली के नरेला थाने इलाके का है, जहां एक महिला की होली के दिन संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला की पहचान 40 साल की रेखा के रूप में हुई है, जो कि परिवार के साथ नरेला के विशाल इनक्लेव में रहती थी। रेखा के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल पक्षों के लोगों ने रेखा को जहर देकर मार डाला है। 200 गज का प्लाट है इनका जी, और 200 मालिक रखा था, अपने घर वहाँ छोड़ के वही प्लाट के चक्कर में दूसरे वाले मार दिया भाई। पीड़ित परिजनों के मुताबिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रेखा के नाम 200 गज का प्लॉट ही था, जिसको ससुराल वाले हथियाना चाहते थे। प्लॉट के कागजात भी फिलहाल चोरी होने के आरोप लगाए गए। उसको जय पिला दिया भाई, और जब बाद में पता चला ये बाड़ा उठा के चिल्ला रहे मौसी चल मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, उसने आखिरी सांस तक मेरे बेटा पड़ लगी पड़ा है पड़ रहा है, उसने सांस की तौर पे पता नहीं क्या क्या चीज बताई, सांस दो बाप, मतलब मुंह से बाप दे वो, मतलब जीती रही तब तक सांस भी लास्ट टाइम तक उसने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। मृतक महिला की बहन का कहना था कि होली के दिन दोपहर करीब 2:30 बजे रेखा के बेटे ने उसे आकर बताया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। जब परिजन रेखा के पास पहुंचे तो उसकी हालत बेहद खराब थी और उसे उल्टी हो रही थी, जिसके बाद उसे पास के राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले की जानकारी नरेला थाना पुलिस को दी गई। नरेला थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, ताकि ये पता चल सके कि महिला के पास कौन आया था या फिर महिला किसी से मिली थी। फिलहाल पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अब पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि महिला को जहर दिया गया था या फिर उसकी मौत किसी और वजह से हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।